साथियों नमस्कार, प्राइम हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जेपी लोहिया, जिनका कुछ विवाद चल रहा है जमीन को लेके, किनसे विवाद चल रहा है और उस जिस शख्स से इनका विवाद है जमीन को लेके, वो उस शख्स का इस गांव से क्या संबंध है, इनके जमीन से क्या संबंध है, इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो लोहिया जी, आपने बताया कि आपका कुछ जमीन है यहाँ पे जिसको लेके विवाद चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है और जिस जमीन के बाद आप कर रहे हैं, आपका उस शख्स से क्या विवाद है जिससे आपका विवाद हो रहा है, और उस शख्स का इस गांव से क्या संबंध है आपके यहाँ से। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को ये कब्जा करना चाह रहा है, इसे 2012 से मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है। इन्होंने इसकी पत्नी के नाम सुधा नागर के नाम एक प्रॉपर्टी फ्रॉड दिखा के इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया था। तो आज भी मैं उसका ट्रायल भुगत रहा हूँ, अनसेसरी जो सजा भुगत रहे हैं, अभी तक उसमें चार्ज फ्रेम भी नहीं हुआ। ये मलुक नागर जो इसकी ससुराला है नगर में, तो ये लोग कुछ इसके रिश्तेदार मिलके पहले भी इन्होंने प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली इनको। तो अब जाकर उसी से चुपचाप मुक्त तरीके से मलुक नागर ने एक हमारे गाँव की प्रॉपर्टी है, शेयर लैंड अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, जिसकी आज तक चकबंदी नहीं हुई है। तो उन खसाजात का ये पेपर दिखा के 1008 गज की जमीन दिखा रहा है मौके पर, और उस पर मैंने सुना था जैसे मैं वहाँ जाता हूँ तो कभी लोन उठा लिया, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं लोन वाला, बैंक वाला भाई। तो अभी हम लोगों ने, मैंने सफाई भी करी उसमें, जैसे ताला लगा के हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। तो इस सांसद के मलुक नागर ने पीछे से गुंडे भेज कर, रात के टाइम में कम से कम 50-100 लड़के थे जिन्होंने आके मेरे रूम का ताला तोड़ा। और इस विषय पर मैंने जो है थाना फतेहपुर गिरी के SHO के यहाँ पे लिखित में शिकायत भी दे रखी है 1/4/2023, लेकिन SHO ने जो पुलिस है वो इस पर कार्रवाई नहीं करती। मैं कंप्लेंट देने में जाता हूँ तो पुलिस जो है वो SHO जो मुझे बोलता है कि भाई और भी 2-4 जगह स्टेट की कोई कंप्लेंट है तो वो भी लेके आ जाए। तो मैं जानना चाहूँगा पुलिस किस लिए बैठी है, मतलब ये जो मलुक नागर का मैंने नाम बताया, ये मलुक नागर कौन है, कहां से MP हैं और इनके गांव से क्या संबंध है, इस जमीन से क्या संबंध है। ये बिजनौर का सांसद है, बिजनौर से है। सुधा नागर इसकी पत्नी है जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स दिखा है, और जो इसने खसरा नंबर 575/1 बताया है वो मेरी दादा ने जमीन है। 574 को लेकर भी मेरा एक फ्रॉड एंड फॉर्जरी का केस 156 दिन में मैंने फाइल कर रखा है 214 करोड़ में साकेत में। तो ये इसका काम ही है, इस पर अनेकों जो है 420 के मुकदमे लगे हुए हैं, नोएडा 30 के भी मैंने देखा इसके खिलाफ जो है 1000 करोड़ रुपये गबन कर रखे हैं, इनकम टैक्स ने भी इसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रखी है। तो इस आदमी का काम यही है प्रॉपर्टी कब्जाना। तो खसरा नंबर दादा लाई का लिख रहा है और पेपर जो है सेल लैंड के दिखा रहा है, जिस सेल लैंड की पूरे गाँव का हक है, 826 शेयर है। तो ये खसरा नंबर उसका है नहीं। तो जो आपके पास आपने जो डॉक्यूमेंट्स निकलवाए जमीन से संबंधित, अच्छा आपने ये नहीं बताया कि मलुक नागर का इस गांव से क्या था, मैं किस बेस पे होता है इस जमीन को अपनी जमीन बता रहा है। मैं अभी बताया आपको, सुधा नागर इसकी पत्नी है जो गांव आय नगर की है, तो उसी के आधार पे ये उसी के नाम से, मतलब जो मलुक नागर की ससुराल है आय नगर, तो उनके बिहाफ पे ये जमीन कब्जा कर रही है सुधा नागर के नाम से, इस पे लोन भी उठा लिया प्लस अब कब्जा भी कर रहा है। अगर आप मौके पर जाके देखेंगे तो मौके पे 1000 गज जमीन नहीं है वो, इसमें से एक कमरा बना हुआ है, एक प्लस गेट है, मैंने ताला लगा के छोड़ दिया। उससे ओली तरफ को अगर हम जाएंगे तो हमारे गांव के रामपाल डीलर था, पहले डेली काम करता था, कुछ जमीन हमने उसको दे रखी पहले से हमारे पिताजी ने। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे हिस्से में आई थी, तो हमारे जो ताऊ है दादा, हमारे जो दादा है उनके एक भाई थे सुरजी के 2 लड़के जगमाल और चित्रा, तो उन्होंने ये जो जमीन है हमें अपने उसमें दे दी थी, जैसे पैसे विश्वास करके बड़े भाई हैं तो कि ठीक है भाई ये हिस्सा तुम्हारा है, पिताजी ने हमारे जो एक पारिवारिक फैसला जो होता है, पारिवारिक समझौता जो होता है, पारिवारिक में लिखित में नहीं होता, लेकिन ये जो हमारे पिताजी हमारे हिस्से में है वो आज भी। अगर वो मौके पर जाकर पूछता तो आनंद जो है रामपाल के, ये जो उसमें पहले किराया वगैरह लेते थे, मारुति वैन जो खड़ी है वहाँ पे गाँव के लोग हैं जो चला रहे हैं, छोटी से क्यों किराया लेना तुम्हें। अभी जो आपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं जी, वो आप लेकर आए हैं, उनमें क्या डिटेल आ रही है, क्या वो जमीन जो अभी तक भी आपके नाम से चली आ रही है, ट्रांसफर नहीं हुई है। जी बिल्कुल, हमारे नाम ही चली आ रही है, हमारे जो
ये जो खसा नंबर है वो हमारे दो टाउन होम के नाम बोल रहा है, और अब बीच में से जो हमारे डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर्टी जो है हमारे नाम पे भी है, जिस व्याप पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी है। तो पुलिस से मिली भगत करके ये लोग जो है जबरन जो कब्जा करना चाह रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी पे, कभी ताला लगा कभी कैमरा लगा देते हैं। तो इसमें जो सहयोग कर रहा है गाँव आए नगर का भेदपाल कर रहा है इसको, वो पीछे कहता है कि मैंने चेतराम बाबा चेतराम से जमीन ली है 1980 में। तो मैं ये कहना चाहूँगा वेदपाल जी आपकी उम्र कितनी है, 1980 में आप कितने साल के थे जो आपने हमारे ताऊ से जो जमीन खरीद ली। इसने जो डॉक्यूमेंट्स है जो भी है वो जांच चल रही है। देखो मैं तो अभी पूरे डॉक्यूमेंट निकाल रहा हूँ इसके खिलाफ, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं उसको मैं कोर्ट में भी चैलेंज करूँगा। अभी आप मीडिया को उसका दिखाना चाहिए जो आपने निकाले हुए हैं मेरे पास में। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं उर्दू में जी, 1964 से 65 लेकर, और इसमें सारे टेटर खजाना 500, 512, 573, 573, 574 इसकी मैंने हिंदी ट्रांसलेशन करा रखी है। इसमें से हमारे दादा के नाम बोल रही है जमीन, खातेदार का नाम पिता का नाम जो है ये राम स्वरूप उर्फ काले, ये लेटेस्ट है जो आप दिखा रहे हैं। नहीं सर ये 2015 में मैंने जो मेरा फ्रॉड एंड फ्रॉजरी का जो मुकदमा चल रहा है 574 का नंबर है, ये आप देखेंगे ये 574 का नंबर जिसमें मैं अपने जो दादा है उनकी एक एकड़ जमीन को जो चैलेंज कर रहा हूँ कि उन्होंने रजिस्ट्री करी नहीं है, जिसमें पुलिस ने भी रिपोर्ट दी है कि हाँ ये सी एस लेखी जो है कभी रहा नहीं इस जगह पर। तो उसमें भी मेरा ये भी उर्दू में है लेकिन मैं इनकी अभी हिंदी कराने का टाइम नहीं मिला। ये 575/1 जी दादा ने जमीन है, मतलब आप जो ये कागज दिखा रहे हैं जी इन कागज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो जमीन है जिस पे मुल्क नागर जी अपना क्लेम कर रहे हैं वो जमीन आपकी अपनी है। बिल्कुल दादा ने जमीन है और मैं कुछ वजह से चली आ रही है मेरे नाम पे, और ये जमीन कहीं भी ट्रांसफर नहीं हुई अब तक भी नहीं, ये जमीन नाम नहीं हुआ किसी के भी। क्यों जब हमारे ताऊ ने हमारे पिताजी के हिस्से में दे दी है जमीन तो फिर दूसरा आदमी आएगा क्यों, मतलब परिवार के बीच में ही जमीन हो रही है बाहर देके परिवार नहीं परिवार के साथ आपने मुल्क नागर जी से बात की इस बारे में कि कभी जमीन हमारी है तो उनका क्या रवैया रहा था। मेरी उससे बात नहीं होती है, 2012 में मेरी बात हुई थी तो गाँव में आया था अपने रिश्तेदार में बैठ के कहने लगा भाई ये प्रॉपर्टी खाली कर दे ये भी मेरी है। मैंने कहा आपके जो SDM का खसरा जात जो है वो अलग खसरा नंबर है ये मेरे अलग खसरा नंबर है, सेल लैंड जो है हमारे पिताजी के नाम पे है वो जी, मैं उस पे पोजीशन पे बैठा था वहाँ पे वही मेरी जमीन है जिसका आज तक इसमें चार्ज फ्रेम भी नहीं हो रहा। अब लगा लीजिए 2014 से जो ट्रायल फेस कर रहा हूँ मैं साकेत कोर्ट में जाके तो ये भी 10 साल से सजा से भुगत रहे हम तो, और 151 का मुकदमा था उसमें मैं भरी हूँ मलुक नागर के जो गुंडे जो आज ये बैठे हैं इसको लेकर मैंने मुकदमा डाल रखा है 156 दिन में। BS अवाना करके एक इनका वो है जो बीच में आकर केयरटेकर वो अपनी सेटिंग करके झूठे मुकदमे दर्ज करा देता है इसे नोएडा से आता है हरोला से कोई जी, वो अभी भी बीच में वो आया था जिसका वीडियो मेरे पास में है। अभी जो आपकी जो आपके साथ विवाद चल रहा है जो जमीन पे कब्जे की बात कर रहे हैं आप जी, जो मलुक नागर जी ने कब्जा किया हुआ है उस पर करने की कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में आपने चुनाव को लिखा है सरकार को लिखा है इसके बारे में या क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में। मैंने जो सांसद है मलुक नागर का एफिडेविट निकाला है उस एफिडेविट में भी इन्होंने जमीन को अपना बताया है, जब आपने लोन उठा लिया तो जमीन आपने कैसे होगी, 575 खसरा नंबर आपकी जमीन नहीं है तो आप कैसे कर दोगे क्लेम कैसे कर दोगे मेरी प्रॉपर्टी है, आप जो है सेल लैंड की कागज तक चकबंदी नहीं हुई है तो उसके व्याप पे उसे पता है कि कुछ मिलना नहीं है। पहले भी काफी साल पहले इसने अखाड़ा था गांव का वो कब्जा लिया था मिली भगत करके वेदपाल वगैरह के साथ में इनके में, तो अभी भी प्रयास बीच में मेरा इनका झगड़ा हुआ था उस दिन इन्होंने प्रयास करा ताला लगाने का मेरी जमीन पर, मैंने और मेरी मिसेज ने ताला नहीं लगाने दिया इनको, तब इन्होंने मेरे भतीजे को बुला के गुप्त तरीके बातचीत करके फोन करके बुलाया और मुझसे 20 दिन का टाइम मांगा कि भाई अंकल आप जो हमें 20 दिन का टाइम दे दो मैं मलुक नागर को बुलाकर सॉर्ट आउट कर लूँगा। वेदपाल ने ऐसा बोला जिसके गवाह काफी लोग हैं वहाँ पे और इनके जो गुंडे हैं उनका वीडियो भी आ रखा बकाया। तो जब इनने देखा कि दाल नहीं गलेगी कब्जा नहीं मिलेगा तो इन्होंने पीछे से रात के टाइम अंधेरे में आके 8 तारीख को मेरे ताले तोड़ दिए
दिन में पूरी सेटिंग करके उन्होंने कैमरा वगैरह लगाया, क्योंकि मेरी डेट थी कोर्ट केस की, मैं वहां पे था, इनको पता था कोर्ट केस में, तो पीछे से जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये 575 नंबर है खसरा नंबर जी, उस खसरा नंबर को मतलब नागर ने चुनावी घोषणा उसमें एफिडेविट में दिखा रखा है जी, उसमें ये दिखा रखा है जिन्होंने लोन दे रखा है, लोन नहीं दिखा रखा उसमें, बस क्लेम कर रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो मौके पे यहाँ पे आते हैं, कोई ढोल बजा के कोई बैंक वाले काफी आए थे, तो ये जो वैन वगैरह चलाते हैं गांव के लड़के, इन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही मैं पहुंचता हूँ आपको पर्चा फट जाता है। तो बीच में मेरी बात हुई तो वेदपाल ने बोला कि मैंने बैंक मैनेजर को बंद करा दिया कि मेरी प्रॉपर्टी पर लोन दे दिया उसने, तो ऐसा इसने बोला है। मैंने तो मुझे पता, क्योंकि मैं जब तक प्रूफ नहीं है तो मैं नहीं बोलता। अभी भी इसमें जो ये जो कर रहे हैं, जो अब इसको वेदपाल भी बोलता है कि मेरी जमीन है भाई, आपकी जमीन थी, तो ये जो बीच में बाउंड्री है जब ये गिर गई, मैंने पूरी सफाई कर ली, तो इसने अपने वहां पे पीपल का पेड़ काटा था जिसमें इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। तो फिलहाल आपके लिए आप क्या संदेश क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, वेदपाल ना मलुक नागर या वेदपाल जी को, या आपके लिए प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या कार्रवाई करना है उस पर? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी थी तो आपने इस पर बिजली का मीटर क्यों नहीं लगवाया? जहाँ पे आपका मीटर लगा है वो है 2014 का, अपने विजयपाल के नाम से दिखा रहा है। इसका भाई विजयपाल उस टाइम पे तिहाड़ जेल में था अपनी पत्नी के मर्डर में, तो मीटर कैसे लग गया बिजली का? ये सब मिली भगत इन्होंने करके निगम पार्षद रहा, तो इसने और भी डॉक्यूमेंट्स बना के, जो इसका काम यही है, जो वेदपाल का घर है वो ग्राम सभा पे है, और इधर उधर जो बेनामी संपत्ति है इसकी, उसकी जांच मैंने जो है एफिडेविट के माध्यम से चुनाव निर्वाचन आयोग को भी लिख के दे दी है, इनकी कंप्लेंट शिकायत दोनों की। ये लोग जो है, जो प्रॉपर्टी एक 45 बीघे जमीन सुदाना ये मनोहर नागर बता रहा मेरी प्रॉपर्टी एफिडेविट में भी, जो प्रॉपर्टी इसकी वाइफ पत्नी ने सुदाना नागर ने 2001 में बेच दी, उसके बाद 2008 में स्टे हो गया, थर्ड पार्टी नो इंटरेस्ट डीसी साहब के साकेत में इस पे स्टे लगा हुआ है, इस खसरा नंबर 35/8 जो केस है ये, तो आप उसे कैसे कंस्ट्रक्शन कर लिया आपने? मेरी जमीन ऐसी पड़ी हुई है, हम लोग जो लॉ ऑर्डर होता है उसको फॉलो करते हैं, और ये निगम पार्षद होकर एक सांसद होकर ये दोनों उस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सोचते हैं हम कानून से ऊपर है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है मलुक नागर है, जो वेपाल है, दोनों मिलकर अपनी जो एक दुरुपयोग कर रहे हैं जी, ये लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके, मैं एक अकेला आदमी हूँ अपने घर में कमाने वाला, मैं ही हूँ, मेरा बेटा लॉ स्टूडेंट है, और मैं इसलिए थोड़ा सा बच्चे को अपना पीछे रखता हूँ भाई, इन्होंने कोशिश करनी चाहिए बीच में झगड़ा करके भी इस किसी तरह इसको झूठे केस में बंद करा जाए। मैंने पुलिस कॉल की, एसएचओ को समझाया, तो एसएचओ बोलता है मेरे को मनु बनाकर इंग्लैंड से बोल रहा है कि मेरी जमीन है, और ये जेपी जो है झूठ बोलता है, इसकी कोई जमीन ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो कानून जो पुलिस भी उनका समर्थन दे रही है, तो पुलिस की गिरफ्तारी के कारण मैं जो थोड़ा चुप लगा रहा कि मुझे कभी ये झूठे केस में ना फंसा। फिलहाल आप एक कोर्ट में क्लेम करने जा रहे हैं इसका? जो भी है, अगर मेरा पुलिस न्याय नहीं करेगी तो कोर्ट में न्याय मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है सर।